तुम्हें एक आर्टिकल भेजा है, थोड़ा चेक करो उसे। ऑर्गन ट्रैफिकिंग इन पाकिस्तान। क्या फायदा नादिर, ये बात तो हम भी जानते हैं कि जमान फाउंडेशन में ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है, बट वेयर इज द प्रूफ? एविडेंस के बगैर हम कंट्रोवर्सी तो बना सकते हैं, मगर इन लोगों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते। सही कह रही हो, तुम्हारे इन्फॉर्मर ने तुम्हें दोबारा कॉन्टेक्ट किया? नहीं, नादिर, क्या हुआ? इन्फॉर्मर की तरफ से एक फाइल रिसीव हुई है, इसको स्कैन करो और मुझे रीसेंड करो फौरन। क्लीन है, भेज दिए तुम्हें। अरे ख्वाजा साहब, क्यों फिक्र करते हैं, हम हैं ना आपके बेटे के लिए जो हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, उसका डोनर मिल जाएगा। मैंने पता कराया है, यतीम खाने में कल ही 4 न्यूबॉर्न आए, किसी एक का तो स्पेसिमन मैच कर जाएगा ना। आप फिक्र ना करें, बस आप हमारी कंसाइनमेंट क्लियर करें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वही है। हेलो, इतने सबूत काफी हैं, कुछ और भी भेजो। आखिर कौन हो तुम और ये सब कैसे जानते हो? मैं कौन हूं, कहां हूं, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि तुम अब क्या करोगे। तुम्हारे सामने अब सारे सबूत हैं, इलीगल लैंड ग्रैबिंग से लेकर ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग तक, सारा एविडेंस तुम्हारे पास है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या तुम हिम्मत करोगी और वक्त के फिरौन का निकाब उतार के सबको उसका चेहरा दिखाओगी, या तुम भी बाकियों की तरह अपनी जुबान बंद करके चुप हो जाओगी? फैसला तुम्हारा है सदफ, जो करना सोच समझ कर करना। कौन था? अहमद, वहां जुल्म हो रहा है और वो औरत डंके की चोट पर कर रही है ये सब, जैसे उसे कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। मैंने और भी कई जेल विजिट किए हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। सदफ, हम ऊपर इसकी शिकायत कर सकते हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठवा सकते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इस पर इंक्वायरी बैठे, लेकिन साथ साथ मैं इसको एक मिसाल बनाना चाहती हूँ ताकि इस तरह के लोग ऐसा कुछ करने से पहले 100 दफा सोचें। यू गेट माई पॉइंट? नो आई डोंट। मैं पहले भी कई बार तुम्हारी सुनकर भुगत चुका हूँ। आई नो अमर, बट प्लीज सदफ, 6 महीने हो गए, सुकून की जिंदगी गुजर रही है, इसे खराब मत करो। तुम्हें अच्छा लगता है लोग तुम्हें थ्रेट कॉल्स करें, तुम्हें कत्ल करने की धमकियां दे रहे हों, तुम्हारे घर के शीशे टूट रहे हों? नहीं अच्छा लगता ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज जस्ट ड्रॉप इट। ये सब आपके पास कैसे? कैसे आए, किसने भेजे, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि कोई तो है जो सच जानता है, और अब वो चाहता है कि ये सच मेरे सामने भी आए।
कौन है वो? पता नहीं, वो कौन है मैं नहीं जानती। मेरे पास सिर्फ एक ही लीड है और वो है सनम यूसुफ की खुदकुशी। मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। क्या हुआ मिस सदफ? सनम ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका कत्ल किया गया था। रामीन को डर था कि अगर वो हामिद जमान के खिलाफ कोई कदम उठाएगी तो अपना ही नुकसान करेगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक दिन रामीन जब कॉलेज से वापस घर लौटी तो सनम की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। सबको लगा कि ये खुदकुशी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने कुछ और ही सच दिखाया। हमने जब फुटेज देखी तो मालूम हुआ कि माँ हसन और नरीन तारिक अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सनम के अपार्टमेंट गए थे। उन्होंने उसका कत्ल किया और फिर वहां से फरार हो गए। हम लोग वो फुटेज लेके पुलिस के पास गए और एफआईआर कटवाई और पुलिस ने तफ्तीश के लिए हम तीनों को बुलाया भी। हमें लगा कि शायद इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन वो इंसाफ नहीं, एक भयानक ख्वाब की शुरुआत थी। रामीन को खत्म करने के लिए उन्होंने उसी शख्स का सहारा लिया जो हम तीनों को सबसे ज्यादा अजीज था, रेहान फारूकी। रेहान? रेहान सनम का फियांसे। उसने रामीन के खिलाफ झूठी एफआईआर कटाई और बयान दिया कि नौरीन तारिक और महा हसन का कैसे कोई लेना देना नहीं और सनम का कत्ल रामीन ने किया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बिकने वालों को कोई वजह नहीं चाहिए होती मैं सदफ। रेहान हामिद जमान के हाथों बिक गया और उसने रामीन के खिलाफ झूठा केस बनाया। झूठा केस बनाकर उसे फंसाया और फंसाकर जेल भिजवा दिया। रामीन एक साल से जेल में है। रामीन बेकसूर होकर भी सजा काट रही है और उसके मुजरिम गुनाहगार होकर भी आजाद घूम रहे हैं। Now the ball is in your court. क्या तुम हिम्मत करोगी और वक्त के फिरौन का निकाब उतार के सबको उसका चेहरा दिखाओगी, या तुम भी बाकियों की तरह अपनी जबान बंद करके चुप हो जाओगी? फैसला तुम्हारा है सदफ, जो करना सोच समझ कर करना। सदफ लाइट सेट हो गई है। सदफ क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ सदफ, क्या बात है? नादिर तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? आई मीन हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे? गलत कदम मतलब? मतलब ये कि हामिद जमान बहुत रिसोर्सफुल आदमी है, अगर हम उसे इस तरह एक्सपोज करेंगे तो वो स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा और उसने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम अपने नुकसान के बारे में कब से सोचने लगे? सदफ खान ब्रेव द बोल्ड डॉन्टलेस जर्नलिस्ट जो किसी के सामने नहीं झुकती, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, आज सच बोलने से डर रही है? मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए डर रही हूं। अगर बदले की आड़ में उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो क्या? Honestly, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
तुम ही हमेशा कहती हो ना कि माशरे में जुल्म जालिम की वजह से नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाने की वजह से बढ़ता है। और आज तुम ही आवाज उठाने से कतरा रही हो। सदफ वो आदमी इंसान नहीं है, वो एक दरिंदा है। सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है, उसकी सच्चाई जान के हम कैसे चुप रह सकते हैं? अब खामोशी हराम है हम पर, चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है, वरना उसके साथ साथ हम भी उन मासूमों के कत्ल में बराबर के शरीक होंगे। तुम ठीक कह रहे हो, चलो वक्त के फिरौन को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, जो बात करनी थी वो करो। उस दिन आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, आज फिर वही सवाल कर रही हूँ, उजाला को तलाक क्यों दे रहे हैं? मेरे ख्याल में इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। जी याद है, अपने मामलात में आप किसी को सफाई देने के पाबंद नहीं, लेकिन आज आपको सफाई देनी होगी। आपने कहा था कि अगर आपने उसको तलाक न दी तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जिसको आप उजाला की खुशी समझ रहे हैं वो उसकी खुशी नहीं बल्कि उसकी तबाही है। आपकी उजाला तो मोहब्बत में तलाक को मानती ही नहीं। वो कहती है कि मोहब्बत में या तो दो लोग मिल जाते हैं या बिछड़ के मर जाते हैं। मगर उनमें तलाक नहीं होती। तुम मिलने गई थी उसे? हाँ। क्यों गई थी? तलाक की वजह पूछने गई थी, मगर वो बेचारी तो खुद कुछ नहीं जानती, मुझे क्या बताती। मैं चलता हूँ। पूछेंगे नहीं कैसी है वो, किस हाल में? मैं बताऊं? बिल्कुल आपकी तरह ऐसे ही तड़प रही हूं। इसकी हर बात में बस एक ही सवाल होता कि आखिर उसका कसूर क्या है, आखिर किस जुर्म की सजा मिल रही है उसको। वो आपसे तलाक नहीं चाहती, तलाक के कागज फाड़ के फेंक दिए उसने। मैं नहीं जानती आप दोनों में लड़ाई की वजह क्या है, मगर वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। उसकी मोहब्बत का इम्तिहान ना लो। मैंने क्यों नहीं किया? मुझे ये देख। क्या है ये?
ये तो वही है ना, हामिद जमान। क्या किया इसने? रंगे हाथों पकड़ा गया ये कमीना। यतीम खाने की आड़ में इंसानी अज़ा की स्मगलिंग करता रहा ये। पता नहीं क्या कुछ करता रहा होगा ये। सारे टीवी चैनलों पर सुबह से इसी की खबर चल रही है, तो देखना उजाला। ज्यादा दिन इंसाफ से बच नहीं पाएगा ये। आपको अहम खबर दे रहे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, ज़ियाद सलमान नासर ने वतन अजीज पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक जनरल सेक्रेटरी हामिद हुसैन जमा के नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। नाजरीन, चीफ जस्टिस ज़ियाद सलमान ने जमान फाउंडेशन ऑर्गन ट्रैफिकिंग केस का खुद नोटिस लेते हुए हुकाम से अगले 12 घंटे में जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही मजीद तहकीकात के लिए जमान फाउंडेशन के सर्च वारंट्स पुलिस को इशू कर दिए गए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर जर्नलिस्ट सदफ खान ने इंकशाफ किया है कि वतन अजीज पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेक्रेटरी हामिद जमा हुसैन, जो मशहूर बिजनेसमैन और बज़ाहिर एक फलाही इदारे के करता धरता है, दरहकीकत लैंड माफिया और इंसानी अज़ा के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जैसी जराइम पेशा कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जर्नलिस्ट सदफ खान ने इंकशाफ किया है कि वतन अजीज पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेक्रेटरी जनरल हामिद जमा हुसैन, जो मशहूर बिजनेसमैन और बज़ाहिर एक फलाही इदारे के करता धरता है, दरहकीकत लैंड माफिया और इंसानियत की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जैसी जराइम पेशा कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। इस कालों को मिटाने का अब एक ही हल है, पार्टी से आपकी रुकनियत बर्खास्त करनी होगी। तुम मुझे मेरी पार्टी से निकालोगे? निकाल कौन रहा है हजूर, पार्टी तो आपकी है। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए खानापुरी है। हरगिज नहीं, तुम दुनिया को दिखाने के लिए भी ये सब कुछ नहीं कर सकते। मामले की संजीदगी को समझिए। आपका नाम इस्तेमाल करके पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो हर तरफ देखी जा रही है और हमारी थू थू हो रही है। ऐसे में इलेक्शन हम कैसे जीतेंगे? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और तुम होते कौन हो मुझे पार्टी से निकालने वाले? अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम और तुम्हारी पार्टी मेरे टुकड़ों पे पलती है। मैं 20 से हाथ उठा लू ना तो तुम्हारे जिस्म पे एक कपड़े भी नहीं बचेंगे। सर, मुदाखलत के लिए माफी चाहता हूं। यहां पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है। मैंने गाड़ी निकलवा दी, हमें अभी निकलना होगा। तुम क्यों नहीं आती? तुम्हारे आने से इस घर की वीरानी खत्म हो जाएगी। घर की वीरानी खत्म करने का हल तो है मेरे पास, सुनेंगे? No, thank you. मान जाए ना भाई, घर में भाभी होंगी तो आपको लेके कुछ मेरी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। और मेरी बढ़ जाएंगी। ना ना बाबा, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम अपने दोस्तों से रब्ता रखती हो? जी, रजिया से तो अक्सर बात होती है, और जैनब का तो निकाह है अगले हफ्ते, आपको बुलाया है उसने। और बस इनसे ही बात होती है? सीधी तरह कहें ना, आप उजाला के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, उजाला से बात नहीं होती मेरी। ना वो बात करती है ना मेरा दिल चाहता है। आखिरी बार हमारी बात मेरी शादी वाले दिन हुई थी, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ।
आप भूल जाए ना भाई उजाला को, वो खुश है अपने घर में। और जो हुआ उस दिन, उसमें उजाला का क्या कसूर था? तो क्या मैं कसूरवार था? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? भाई अब आप ज्यादा देर मत करें, बस कह दें उसे अपने दिल की बात। तुम्हें लगता है मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी वो, आपसे बेहतर लड़का मिलेगा उसे? अगर उसे और कोई पसंद हो तो? कोई पसंद नहीं है उसे, मैं जानती हूँ। बस ऊपर ऊपर से करती है आपकी बुराई, अंदर से आपको ही पसंद करती है वो। आपने देखा नहीं आपके नाम पे फौरन कैसे तोहफा कबूल कर लिया उसने? बस भाई आपको देर नहीं करनी चाहिए, बोल दें उसे अपने दिल की बात। आप तलाक याफ्ता से शादी करेंगे? इसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया था भाई? आखिर आपकी समझ में क्यों नहीं आता है भाई, वो नहीं है ठीक आपके लिए। उसके लिए खुद को कितना बर्बाद करेंगे आप? आप उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मोहब्बत करता हूं उसे शिरीन, इस मोहब्बत के सारे तकाजे निभाए हैं मैंने, और इस मोहब्बत को पा लेना मेरा पूरा हक है। अभी तक गुस्सा में मैं क्यों नाराज होने लगी? सच बताऊं तो कल रात में डर गया था, मुझे लगा था कि तुम वाकई मेरी उजाला से शादी नहीं करोगी। सही लगा आपको? मैं वाकई आपकी शादी उजाला से नहीं होने दूंगी। क्यों? मजा आप जानते हैं भाई, वो शादीशुदा है और अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। मैं तो वो मोहब्बत नहीं करता उससे। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर मोहब्बत करता तो उसे तलाक ना देता। तलाक क्यों देना? शीरी वो आदमी उजाला के काबिल नहीं है, बेहतर यही होगा कि उजाला से भूल जाए। भूल जाएगी, पर आप भी अपनी और उजाला की शादी का ख्वाब भूल जाएं भाई, आपकी उससे शादी नहीं होगी। ऐसा मत कहो शीरी, किस्मत ने फिर मुझे मौका दिया कि अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकूं। प्लीज मेरा इसमें सबक दो। कैसे कैसे साथ दूं? क्या बोलूं उसे जाके? उसे जाके बात करो, उसे रिश्ते के लिए मनाओ, वो तुम्हारी बात मान जाएगी। वो नहीं मानेगी भाई, आप जानते तो हैं उसे। कोशिश तो करो, क्या पता इस बार मान जाए। प्लीज शिपी। मकबूल का कुछ पता चला? नहीं भाई, लड़के ढूंढ रहे होते। तुम कहाँ हो? मैं उस रिपोर्टर के घर के बाहर हूँ, नजर रख रहा हूँ उस पे। वो अपने फ्लैट में है? जी भाई, शाम से इधर ही है। और वो शबीर का पंटर सारंग, वो भी मेरे सामने है। वो वहां क्या कर रहा है? तो मालूम नहीं भाई, लेकिन देखने से ये लग रहा है यहाँ आता रहता है। कहते हो तो जाके बात करूं उससे। नहीं, तुम उन दोनों पे नजर रखो, मुझे हर लम्हे की खबर चाहिए। सही है भाई, रखता हूं।
मुझे तो तेरी नजरों से खौफ आता है, डर लगता है कि कहीं ये मुझसे सवाल ना कर बैठे। खाला, क्या हुआ तेरा दावा? मेरी मरती माँ के सामने तूने मुझे बेटी कहा था, तू बेटी बनाया क्यों नहीं? क्यों ले आई किसी लड़की को अपने घर? कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे जैसे मेरे घर को तेरी बदुआ लगी है। किसी बातें कर रही है खाला, मैं भला क्यों बदुआ दूंगी आपको? मैं जानती हूं, मैं जानती हूं तू बदुआ नहीं देगी, लेकिन कुर्ती तो होगी। उसे उजाला के साथ देखकर तेरा खून नहीं खौलता? नहीं खौलता था। इफ्तिखार को जब भी उजाला के साथ खुश देखती थी तो बस देख के खुश हो जाती थी। दोनों का सदका उतार के दुआ करती थी, खुदा जोड़ी सलामत रखे। इतना बड़ा तेल ना रख रुखसार, माफ करते हमें, अपना घर बसा ले। तेरा घर बसेगा तो मेरा घर भी बस जाएगा। सीधा कर, छोड़ दीजिए। खाला, ये मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैंने दिल से तस्लीम कर लिया है कि इफ्तिखार मेरे कभी नहीं हो सकते, और दिल को ये भी बता दिया है कि मैं भी अब किसी के नहीं हो सकती। खाला, आप मुझसे मेरी जान मांग लें, जान हाजिर है, लेकिन खुदारा अब मुझे घर बसाने का मत कहिएगा, ये मुझसे नहीं होगा। रुखसाना जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रही थी? वो अम्मी की याद आ रही थी। आप बताएं, आप कहाँ थे? तखार के साथ था। उजाला से बात हुई उसकी? हाँ, कर लेगा, पागल ही होगा अगर तुम्हारी बात नहीं मानेगा। रुखसाना, कभी पता है क्यों नहीं उसे? क्या यही कि तुम उसे पसंद करती हो? अरे क्या कह रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। भाई हूं तुम्हारा, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। क्यों नहीं बताया उसे? बताना चाहती थी, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और वैसे भी मोहब्बत का इकरार किसी किसी को मयस्सर होता है,
हर एक को ये विलायत कहाँ नसीब होती। क्या कभी भूल पाओगी उसे? भुलाना जरूरी है क्या? किसी तबीयत है खाला की? बुखार कुछ कम हुआ है? बुखार तो कम हुआ है लेकिन तबीयत इतनी ठीक नहीं है। मामू और तनवीर भी शहर से बाहर चले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अच्छा मैं अब्बा को बुलाती हूँ, खाला को अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब आए थे सुबह, कुछ दवाइयाँ दी हैं, कहते अफाका होगा इंशाल्लाह। तो बहुत परेशान हो गई थी यार, ये देख खाला के लिए यखनी बना के लाई थी, तो इसे निकाल प्याले में और खाला को पिला दे। भूल गई, खाना बनाया तुमने? नहीं, बस मैं जाने वाली थी। अच्छा चल, तू यखनी निकाल, मैं खाला से मिल लेती हूँ, ठीक है? कैसी हो जाना?